राइट right? बहुत सारे राउटर्स ऐसे भी होते हैं कि जिसके ऊपर टू होते हैं बिकॉज वो राउटर्स को उतने ज्यादा सिग्नल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजने होते हैं राइट सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा राउटर यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको राउटर्स मिलेंगे सेम थिंग जैसे मॉडर्म के ऊपर था यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट होंगी ऊपर से पता चलेगा की आपके ये राउटर के साथ कितने computers attached है कि नहीं कर रहा है वायरलेस कनेक्शन ऑन किया है कि नहीं किया है वो सारे इंडिकेशन यहाँ पे जो लाइट्स होगी उसके ऊपर से आपको दिखाई देगा राइट और ये राउटर एंटेना थ्रू बी सिग्नल्स दट इज वायरलेस सिग्नल्स बेच सकता है Now actually what is router? Router is a connecting device. Again I repeat, router is a connecting device कि जो data packets को different computer networks के बीच में transfer करने में काम लगता है. Again I repeat, router is a connecting device कि जो different computers के बीच में अगर मुझे data transfer करना है, तो उसके लिए मैं ये router का use कर सकती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम internet कनेक्शन आपके घर पे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होता है इट मींस कि आपके घर में राउटर हो कि जो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस करने के लिए काम लगेगा आपके कंप्यूटर को ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने में आपको काम लगेगा और ये राउटर आपके कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट के साथ अटैच होता है पोर्ट पोर्ट, इज़ राइट? कि जिसके अंदर हम ये राउटर को अटैच कर सकते हैं और दूसरे जो सारे नेटवर्किंग डिवाइस है उन्हें भी हम नेटवर्क केबल थ्रू इसके साथ अटैच कर सकते है राउटर एक कॉमन टाइप ऑफ गेटवे है गेटवे वेमेन्स के जहां से हम एंटर कर सकते हैं और जहां से हम बाहर आ सकते हैं राइट इसीलिए राउटर एक्चुअली पे रखा जाता है? राउटर इज वेयर टू और मोर मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा नेटवर्क मिलते हो उस जगह पे राउटर को रखा जाता है ताकि अच्छी तरह से वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके अगेना इंटरनेट के अंदर जहां पे दो या उससे ज्यादा नेटवर्क्स मिलते हैं वहां पे ये राउटर रखा जाता है more precise, see, अगर मुझे दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो मैं राउटर का यूज कर सकती हूँ नाउ वट इज दिन नेटवर्क के अंदर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स यूज होते हैं कि जो सिंगल पैकेट को डेटा पैकेट को मोर प्रेसाइज सिंगल डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। दैट इज़ एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर वो मूव करते हैं ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सके राइट अगेन आई रिपीट पूरे नेटवर्क के अंदर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स यूज होते हैं कि जो सिंगल डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क क्यों ताकि वो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर वो पहुंच सके मतलब जाओ जो एक्चुअल कंप्यूटर के ऊपर उसे पहुंचना है वहां पे वो पहुंच सके नाउ हमें ये याद रखना है कि अगर मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है या फिर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होना है राइट तो उस वक्त ओएसआई मॉडल का यूज होता है ये यह हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं देखना है बिकॉज़ ये एक पूरा सब्जेक्ट है राइट जो अब फर्दर टेक्नोलॉजी के अंदर, अंदर पढ़ोगे, राइट right? आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि अगर आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है right? तो वहां पे OSI model का यूज होगा that is open system interconnection model का राइट अगेन आई रिपीट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का यूज होगा दिस मॉडल इज डिवाइडेड इन डिफरेंट लेयर्स Again, I repeat, this model is into और वो बहुत सारे राउटर साथ अटैच है इट इज एसोसिएटेड विथ नेटवर्क लेडल की जो नेटवर्किंग के अंदर काम लगता है नाउटर क्या हेल्प करेगा आपके डेटा पैकेट को फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने के लिए राउटर हेल्प करेगा कैसे राउटर एक पाथ बनाएगा जो बहुत सारे नेटवर्किंग जो कनेक्टेड है हेल्प ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। ना व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज? वे बाय विच द नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड इट इज नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजीज अगेन आई रिपीट द वे बाय विच Networking devices are connected, is known as network topologies. अब ये नेटवर्क topologies कौन कौन सी है That इज लैन WAN, मैन That इज लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मुझे पूरा नेटवर्क बनाना है तो हम उसे LAN कहेंगे That इज लोकल एरिया नेटवर्क

राउटर डेटा पैकेट को दट डेटा को फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर फाइनल कंप्यूटर के ऊपर पहुंचने में हेल्प करेगा कैसे हेल्प करेगा वो एक पाथ डिसाइड करेगा वो एक चार्ट बनाएगा फॉर द पाथ कि ये पर्टिकुलर डेटा पैकेट कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस जो इंटरकनेक्टेड है उनके थ्रू पास होके फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेगा सो दिस इज द प्लेस नेटवर्किंग के अंदर के राउटर कहाँ पे हेल्प करता है बट इज वाउटर्स आर वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों इंटेलिजेंट डिवाइसेस है बिकॉज राउटर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि ये पर्टिकुलर राउटर कौन कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो सारे नेटवर्क्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन राउटर स्टोर करते हैं

वही डेटा वही ट्रैफ़िक राउटर के थ्रू पास हो सकते हैं। अगेन आई रिपीट राउटर को हम फर्स्ट लाइन डिफेंस इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो इस हिसाब से कॉन्फिगर हुए होते हैं कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने जो भी ट्रैफ़िक को ऑथोराइज किया होगा जो भी काइंड ऑफ डेटा को ऑथोराइज किया होगा वही राउटर ट्रांसमिट कर सकते हैं दैट्स वाई दे आर एज फर्स्ट लाइन डिफेंस अब राउटर्स जो रूट्स डिसाइड करते हैं कि डेटा पैकेट कौन सी रूट का यूज करके डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा दिस रूट्स कैन बी आई रूट्स डिसाइड करते हैं राइट दिस रूट्स कैन बी आईटिक और डायनामिक रूट्स किसके बारे में होते हैं राइट रूट्स किसके बारे में होते हैं डेटा पैकेट कौन सा रूट लेगी मतलब कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस थ्रू कौन कौन से कंप्यूटर थ्रू कौन कौन से नेटवर्क थ्रू पास होके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे वो जो रूट्स होंगे दैट कैन बी आइदर स्टेटिक और डायनामिक स्टेटिक रूट मतलब जो मैन्युअली कॉन्फिगर करने पड़ेंगे और वो ऐसे ही रहेंगे जब तक हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे Again, I repeat, route मतलब ऐसे route कि जो हम राउटर के अंदर करेंगे और वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे लेकिन डायनामिक रूट मतलब ऐसे रूट कि जो राउटर खुद डिसाइड करते हैं, राउटर खुद जानते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आर अवेलेबल विद इन राउटिंग टेबल अगेन आई रिपीट राउटर्स राउटिंग टेबल मेंटेन करते हैं कि कौन सा पैकेट कहां से होके हमारे पास आया कब आया कितने टाइम में आया ऐसा एक टेबल राउटर खुद बनाते हैं विच इज नोन एज राउटिंग टेबल और ये राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन का यूज करके राउटर खुद रूट्स बनाते हैं खुद रूट्स जानते हैं दो रूट्स आर कॉन्फिगर्ड एज डायनामिक रूट्स उसे हम डायनामिक रूट्स कहते हैं बिकॉज वो हम मैन्युअली नहीं लिखते हैं मैन्युअली असाइन नहीं करते हैं राउटर खुद उसे जानते हैं नाउ राउटर विद द हेल्प ऑफ दिस राउटिंग टेबल उनके पास नॉलेज होगा कि कौन कौन सी रूट्स है अगर मुझे कोई भी डेटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है तो वो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितने रूट्स अवेलेबल है वो राउटर को कैसे पता चलेगा हेल्प ऑफ दिस राउटिंग टेबल और वो सारे रूट्स में से कौन सा रूट एफिशिएंट रूट है कि जो शॉर्टेस्ट भी है और कम टाइम में हमारे डेटा पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा देगा राइट right? अगर आप अपने कंप्यूटर जो इंडिया में है वहां से कोई डेटा पैकेट सेंड करते हो राइट फॉर एग्जांपल टू द कंप्यूटर व्हिच इज इन अमेरिका तो यहां से लेके वहां तक अगर डेटा पैकेट को मूव करना है तो वो सा डेटा पैकेट को कौन से रूट पे से जा सकता है वो सारे रूट्स राउटिंग टेबल में से मिलेंगे लेकिन वो सारे रूट में से कौन सा रूट एफिशिएंट है कौन सा रूट शॉर्टेस्ट है कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है वो डिसाइड करके वो पर्टिकुलर पाथ या फिर वो पर्टिकुलर रूट के ऊपर राउटर आपका डेटा पैकेट सेंड करेगा ताकि आपके कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक वो अच्छी तरह से पहुंच जाए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये जो राउटिंग टेबल है राइट right? ये राउटिंग टेबल डायनामिकली ग्रो कर सकता है अगेन आई रिपीट ये जो राउटिंग टेबल है वो डायनामिकली ग्रो कर सकता है डायनामिकली ग्रो कर सकता है मतलब वो अपने आप उसके अंदर नई नई इंफॉर्मेशन को एड कर, right? कर सकता है मतलब वो अपने आप राउटिंग टेबल खुद इंफॉर्मेशन एड कर सकता है नाउ वट विल बी दिनारियो राउटर के पास जब भी कोई भी पैकेट आता है दट इज डेटा पैकेट आता है तो वो क्या करता है जो पहले वाले जो हेडर और फुटर्स होंगे, that is, हेडर और और होंगे, ट्रेलर्स होंगे पैकेट के अंदर वो उसे निकाल देगा उसके बाद वो क्या करेगा आईपी हेडर दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर के अंदर जो सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा उसे एनालाइज करेगा उसके ऊपर से उसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा पैकेट कहाँ से आया है और ये पर्टिकुलर डेटा पैकेट का अगर मैं डेस्टिनेशन नहीं हूँ तो कहाँ पे जाना है उसके साथ साथ वो ये भी नोट करेगा कि उसे वो पर्टिकुलर डेटा पैकेट को ये पर्टिकुलर राउटर के ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा है दैट इज अराइवल टाइम और वो कौन से टाइप के डेटा कैरी कर रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन राउटर एनालाइज करेगा और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो कौन सा रूट लेके ये पर्टिकुलर डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा राइट सो अगेन आई रिपीट राउटर क्या करेगा जब भी उसके पास कोई भी पैकेट आता है जो पुराना वाला हेडर और ट्रेलर है दैट इज हेडर और फुटर वो उसे निकाल देता है आईपी एड हेडर को वो एनालाइज करता है क्यों एनालाइज करता है बिकॉज उसे जानना है कि सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कौन सा है कौन से टाइप का डेटा है और उसका अराइवल टाइम कौन सा है right? अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उसके अंदर भी ऐड कर देगा एंड मोस्ट important थिंग इज हेडर के अंदर वो जो अराइवल टाइम होता है वो सारी इंफॉर्मेशन भी वो राउटिंग टेबल के अंदर ऐड कर देगा ताकि दूसरी बार सेम सेम सोर्स पे डेस्टिनेशन के के ऊपर जाने लिए कोई पैकेट आए तो ये इंफॉर्मेशन का यूज कर सके राइट नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स फर्स्ट इज ब्रॉडबैंड राउटर ब्रॉडबैंड राउटर्स मतलब ऐसे राउटर्स की जो होम नेटवर्क के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं राइट right? ताकि आप आपके घर के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस यूज कर सके मतलब अगर आपके घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है तो अगर वहां पे राउटर है देन right? इट क्या करेगा ब्रॉडबैंड राउटर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जितने भी अप्लायसेस है वो पर्टिकुलर इंटरनेट के कनेक्शन को शेयर करने के लिए काम लगेगा बिकॉज आपको पता है कि अगर आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन है और आप राउटर का यूज करते हो देन इट इज नॉट द ओनली थिंग कि आप इंटरनेट को सिर्फ आपके कंप्यूटर में यूज कर सकते हो नो no. आप अपना अगर मोबाइल प्रिंटर या फिर कोई भी चीज़ आप राउटर के साथ कनेक्ट करोगे तो वो सारे डिवाइसेस इंटरनेट का यूज कर सकते हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉडबैंड राउटर कि जो आपके आप घर आपके घर के अंदर नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वो इंटरनेट कनेक्शन को सारे डिवाइसेस के साथ वो शेयर कर सके नाउ अनदर टाइप ऑफ राउटर इज वायरलेस राउटर इट इज ऑल्सो नोन एज वी लैन राउटर वी लैन मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अगर हमें एस्टेब्लिश करना है तो हम ये वायरलेस नेटवर्क अगर लेस राउटर का यूज करेंगे इट इज अगेन आई रिपीट ये वायरलेस राउटर को आपके घर की क्वेस्टेस करना है तो आप ये वायरलेस राउटर को आपके घर में भी यूज कर सकते हो नाउ अनदर इज कोर राउटर कोर राउटर इज अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस राइट और आप उसे बैकबोन ऑफ द नेटवर्क भी कह सकते हो मतलब द इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ द नेटवर्क भी कह सकते हो वो क्या करेगा इट लिंक्स ऑल द नेटवर्किंग डिवाइस सारे डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए एक साथ लिंक करने के लिए अगर आपको कोई डिवाइस है तो आप ये कोर राउटर का यूज कर सकते हो एंड इट अलाउज द फास्ट डेटा कम्युनिकेशन वो फास्टर मैनर में डेटा कम्युनिकेट कर सकता है राइट दिस राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो कोर राउटर है वो एक ही नेटवर्क के अंदर डेटा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अगेन आई रिपीट ये जो कोर राउटर है वो विदिन अ नेटवर्क ही वो डेटा पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अगर मल्टीपल नेटवर्क थ्रू डेटा पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो हम कोर राउटर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है That's why ये कहाँ पे रखा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क होता है उसकी जो बाउंड्री होती है उसकी जो edge होती होती अगेन आई रिपीट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क होता है उसकी जो बाउंड्री होती है या फिर उसकी जो एज होती है वहां पे ये राउटर रखा जाता है ताकि वो ऐसे कॉन्फिगर किया जाता है कि दूसरे आईएसपी के साथ वो कनेक्ट हो सके

राइट मल्टीपल कस्टमर्स को सर्व करने के लिए जब आप सिंगल सॉफ्टवेयर या फिर सिंगल इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हो दैट इज़ मल्टी टेनेंट नेटवर्किंग सर्विस प्राइवेट या फिर पब्लिक या फिर कोई भी चीज के नेटवर्क के अंदर अगर आपको यूज करनी है तो आप उस जगह पे वर्चुअल राउटर्स का यूज कर सकते हो सो स्टूडेंट दिसरलेस राउटर कोर राउटर एंड वर्चुअल राउटर जिसकी खुद की कोई पिक्यूलरिटी है या फिर जिनके खुद के सिग्निफिकेंस है कि कौन सी जगह पे हम कौन से टाइप का राउटर यूज करेंगे तो वो अच्छी तरह से वर्क करेगा नाउ द टॉपिक दैट वी विल सी इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड मॉडेम मतलब जो मॉडेम और राउटर जो हमने नेटवर्किंग डिवाइस पे पढ़े उसका हम डिफरेंस देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सी जगह पे हम मॉडेम यूज कर सकते हैं और कौन सी जगह पे हम राउटर यूज कर सकते हैं राइट right? हमने देखा कि राउटर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ अगर डेटा पैकेट को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल करना है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर राइट right? कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है ताकि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पैकेट बहुत अच्छी तरह से पहुंच सके राइट right? वो फाइंड करने के लिए राउटर रिस्पांसिबल है और अगर हम मॉडेम की बात करें तो वो हमने देखा कि अगर कोई भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो उस जगह पे हम मॉडेम का यूज कर सकते हैं राइट अगेन आई रिपीट हमने दो चीज देखी राउटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द पैकेट मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो अगर फाइंड करना है तो राउटर उसके लिए रिस्पांसिबल है लेकिन अगर हमें हमारे डिवाइसेस को दैट इज डेस्कटॉप लैपटॉप या ऐसे कोई भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो उस जगह पे हमें मॉडेम चाहिए सो वी कैन से दैट मॉडेम कनेक्ट्स अ डिवाइस लाइक लैपटॉप डेस्कटॉप टू द इंटरनेट अब दूसरी चीज ये भी है कि जब भी हमें मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करना है मतलब हमारे डिवाइस को मल्टीपल नेटवर्क्स थ्रू कनेक्ट करना है मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना है तो उस जगह पे हमें राउटर का यूज करना पड़ेगा अगेन आई रिपीट हमारे डिवाइसेस को अगर मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करना है मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन चाहिए अगर हमारे डिवाइस को तो उस जगह पे हमें राउटर का यूज करना पड़ेगा राउटर और modem, दोनों के खुद के है, दोनों के खुद के खुद सिग्निफिकेंस है दोनों की खुद की कैरेक्टरिस्टिक है अब हम उसके हिसाब से देखें देन दीज आर द डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड मॉडेम अगेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सेकंड कॉलम में राइट right, की जिसके ऊपर से डिफरेंस बनाया गया है सो द को कनेक्ट करना है अगेन आई रिपीट राउटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे वेरियस नेटवर्क को कनेक्ट करना, करना है और मॉडर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है मॉडर्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी डिवाइसेस है उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है अगेन आई रिपीट मॉडेम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी डिवाइसेस है दैट इज डेस्कटॉप लैपटॉप उसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है नाउ द सेकंड डिफरेंस इज रिलेटेड टू द एक्शन राउटर क्या करता है राउटर पहले तो पैकेट की इंफॉर्मेशन चेक करता है और उसके बाद पाथ को वेरीफाई करता है ताकि वो जो डेटा पैकेट है वो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक डेस्टिनेशन नेटवर्क डिवाइस तक पहुंच सके अगेन आई राउटर क्या, क्या एक्शन है राउटर की क्या फंक्शनैलिटी है राउटर पहले तो डेटा पैकेट की इंफॉर्मेशन को चेक करता है और उसके बाद वेरीफाई करता है कि कौन सा पाथ अच्छा है और उसके बाद वो पर्टिकुलर डेटा पैकेट को वो नेटवर्क डिवाइस तक पहुंचाने का काम करता है और मॉडेम का क्या काम है मॉडेम की क्या फंक्शनैलिटी है मॉड्यूलेट एंड डी मोड्यूलेट इज मॉड्यूलेशन एंड डी मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना सो दिस इज द एक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द मॉडर्म सो उसके ऊपर सेकंड डिफरेंस हम लिख सकते हैं थर्ड डिफरेंस इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड टू द एक्शन राउटर क्या करता है जो भी डेटा है जो भी रिक्वेस्टेड डेटा है राइट उसी डिस्ट्रीब्यूट करता है दैट इज राउटर डिस्ट्रीब्यूट रिक्वेस्टेड डेटा टू द कंप्यूटर या फिर नेटवर्क लेकिन मॉडेम क्या करता है मॉडेम गेट्स द रिक्वेस्टेड डेटा फ्रॉम द नेटवर्क टू द अदर डिवाइसेस मतलब कोई भी डिवाइसेस तक मुझे कोई भी डेटा पहुंचाना है नेटवर्क के अंदर तो मॉडेम का मैं यूज कर सकती हूँ बिकॉज हम हमारे डिवाइस को इंटरनेट के साथ मॉडेम थ्रू कनेक्ट करते हैं राइट नाउ द थर्ड इज नेट एक्सेस राइट राउटर इज नॉट मैंडेटरी टू एक्सेस द इंटरनेट बट मॉडेम इज मैंडेटरी टू एक्सेस द इंटरनेट अगर मुझे सिर्फ नेटवर्क बनाना है राइट right? मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं करना है मतलब मुझे इंटरनेट यूज नहीं करना है तो उस जगह पे मैं राउटर का यूज कर सकती हूँ लेकिन अगर मुझे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है तो वहां पे मुझे कंपलसरी मॉडेम चाहिए बिकॉज अगर इंटरनेट को यूज करना है तो बीच में मुझे मॉडेम रखना पड़ेगा राइट right? ताकि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके लेकिन राउटर इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज हमने देखा कि अगर दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना है वहां पे हमें राउटर चाहिए अगेन आई रिपीट दो अलग अलग नेटवर्क को या फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो उस जगह पे हमें राउटर चाहिए लेकिन मॉडेम हमें कहाँ पे चाहिए अगर हमारे डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वहां पे मॉडेम इज मैंडेटरी मॉडेम इज कम्पल्सरी

दो कंप्यूटर के बीच में या फिर कंप्यूटर और राउटर के बीच में राइट हम मॉडेम को रख सकते हैं लेकिन राउटर कहाँ पे हम रख सकते हैं राउटर हम डिवाइसेस और नेटवर्क के साथ हम रख सकते हैं एंड द लास्ट इज के राउटर कौन से ओ एस आई मॉडल के लेयर के ऊपर वर्क करता है दैट इज नेटवर्क लेयर वो तो मैंने आपको पहले ही बताया लेकिन मॉडेम कहाँ पे वर्क करता है इट वर्क इन डेटा लिंक लेयर विच इज ऑल्सो वन अनदर लेयर इन ओ एस आई मॉडल जो आप डिटेल में नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो आपको सब्जेक्ट आएगा उसमें आप पढ़ोगे सो दीस आर द सिक्स डिफरेंसेस बिटवीन द राउटर एंड द मॉडेम राइट ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम में भी बहुत काम लगेंगे ऑलराइट सो स्टूडेंट्स मेरे एंड से आज के लेक्चर के लिए यहां पे कंप्लीट होता है अगर आपको कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे